नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर आज हम टॉपिक लेके आए हैं फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट के यूनिट वन से, जिसमें हम बात करेंगे इरर और उसके टाइप की, और बात करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन की। चलो दोस्तों, बात कर लेते हैं इरर के बारे में। तो इरर मेनली कैलकुलेटेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इम्प्योर वाटर और एक प्योर वाटर की बात करें तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है कि एक ऑब्जर्व वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। ये क्या है, एक ट्रू वैल्यू है और ये ऑब्जर्व वैल्यू है। दोनों के बीच में डिफरेंस जो है उसे हम क्या कहलाते हैं, एरर कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं टाइप ऑफ एरर। एरर दो टाइप के होते हैं, पहला है सिस्टमिक कांस्टेंट और डिटरमिनेंट एरर, दूसरा एरर कहलाता है इनडिटरमिनेंट एरर। ठीक है ना, रैंडम एरर दो नामों से इसे जानते हैं। सिस्टमिक एरर वो एरर होते हैं जो कि पर्सनल एरर, प्रोसीजर करते समय या फिर फॉल्टी केमिकल यूज करते समय या फिर फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट यूज करते समय कॉज हो जाते हैं, वो एरर हमारे डिटरमिनेंट एरर कहलाते हैं। वहीं पर बात करें इनडिटरमिनेंट एरर की तो वो एरर होते हैं जो कि रेंडमली, एक्सीडेंटली या फिर प्रोसीजर करते समय या प्रकृति के द्वारा कोई घटना घट जाना, इसके द्वारा जो कॉज हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेंडम एरर कहलाते हैं या फिर एक्सीडेंटल एरर कहलाते हैं। बात कर लेते हैं टाइप ऑफ डिटरमिनेंट एरर की। डिटरमिनेंट एरर विभिन्न टाइप के होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें पहला टाइप है हमारा पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मींस जब हम एनालिस्ट, कोई एनालिस्ट है वो केमिकल का एनालिसिस कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, उस समय उसके द्वारा जो कॉज होने वाले एरर हैं उन्हें हम पर्सनल एरर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें, दिस एरर डू नॉट कंसर्न द एनालिटिकल प्रोसीजर बट आर कॉज्ड बाई एनालिस्ट। ये किसके द्वारा कॉज हो जाते हैं, जो एनालिसिस करने वाला व्यक्ति है उसके द्वारा कॉज होने वाले इरर हैं। जैसे कि मैं बात करें मैचिंग कलर, कलर को मैच करने सम करते समय वो गलत कलर मैच कर ले रहा है। लिक्विड को मिक्स करते समय जो लिक्विड की इम्प्रॉपर मिक्सिंग हो गई, उसके द्वारा, उसकी वजह से जो एरर कॉज होता है वो पर्सनल एरर कहलाता है। वहीं पर बात करें इनकरेक्टली रीडिंग नोट करना, जैसे ब्यूरेट की रीडिंग नोट करना हो गया, चाहे पिपेट की रीडिंग नोट करना हो गया, या जो हम केमिकल यूज कर रहे हैं उसको हम अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसको रीडिंग में मैच नहीं किए और नोट नहीं किए, तो क्या होगा, ये पर्सनल एरर कॉज हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं तो ऑपरेशनल एरर। दूसरा एरर क्या है जो इसका डिटरमिनेंट एरर का सेकेंड पॉइंट है, ऑपरेशनल एरर। जब हम प्रोसीजर कर रहे होते हैं उस समय जो एरर कॉज हो जाते हैं, जैसे कि लिक्विड को मापना हो गया, चाहे सॉलिड को वेट करना हो गया, या फिर रिएक्शन करवाते समय हीट देना हो गया, गलत टेम्परेचर पे हीट दे दिए, तो ये क्या कहलाते हैं, ऑपरेशनल एरर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, सच एरर आर कैटेगराइज एज फिजिकल एरर दैट अराइज फ्रॉम द इनकरेक्ट प्रोसीजर। यदि हम प्रोसीजर जो यूज कर रहे हैं वो इनकरेक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, जब हम किसी चीज़ को वेट कर रहे हैं, किसी सॉलिड को वेट कर रहे हैं, तो उस समय मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, या ड्यूरिंग वेटिंग के समय मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड इग्निशन एट एन इनकरेक्ट टेम्परेचर। यदि हम उसको रिएक्शन करवा रहे हैं गलत टेम्परेचर पे, या तब भी हमारा जो है ऑपरेशनल इरर कॉज हो जाएगा। आगे बात करते हैं रिएजेंट इरर की। रिएजेंट इरर वो इरर होते हैं जो कि जब हम रिएजेंट को यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, तब ये जो कॉज होने वाले इरर हैं वो रिएजेंट इरर कहलाते हैं। ये रिएजेंट के द्वारा ही कॉज करते हैं। जैसे कि जब हम रिएजेंट को, फॉर एग्जाम्पल में बात करें, तो जब रिएजेंट को हम किसी बॉटल में रखते हैं तो जब रिएजेंट उस बॉटल से रिएक्ट कर जाता है, और जो है उस रिएजेंट को जब हम यूज करते हैं केमिकल को रिएक्शन करवाने के लिए, तब ये इरर कॉज हो जाते हैं, तो इसकी वजह से रिएजेंट इरर कहलाते हैं। दिस इरर आर कॉज बाई रिएजेंट यूज।
इन द प्रोसीजर, प्रोसीजर में जो रिएजेंट यूज हो रही है उसके द्वारा कॉज होते हैं, जैसे कि रिएक्शन ऑफ रिएजेंट विथ ग्लास मटेरियल एंड इम्प्योरिटीज इन द रिएजेंट। तो जैसे कि जो रिएक्शन है वो किसके साथ हो जा रही है, पहले रिएजेंट की ग्लास मटेरियल के साथ हो जा रही है और उसमें इम्प्योरिटी आ जा रही है, जिसके साथ जब हम उसको रिएक्ट करवाते हैं केमिकल के साथ, जिससे कि वो गलत प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है। अगला पॉइंट है इंस्ट्रूमेंटल इरर। जब हम ये इरर उस तरीके से कॉज होता है जब हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं उस समय जो इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट यूज कर लेते हैं, जैसे पिपेट है और पिपेट की नोब क्या है, टूटी हुई है, अच्छे से वो जो है सही से उसमें केमिकल फिल नहीं कर रहा है, तब क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर कॉज हो जाएगा। या फिर हम ब्यूरेट को यूज कर रहे हैं, उसका कॉर्क जो है अच्छे से नहीं टाइट होता है और वो पानी लीक करता रहता है, तब भी क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाएगा। ठीक है ना, इतना आइडिया मैंने दे दिया है, आप समझ जाइएगा। दीज एरर आर कॉज बाई द यूज बाई कॉज बिकॉज ऑफ यूजिंग अ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट सच एज इम्प्रॉपरली कैलिब्रेटेड वेट एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। जितने भी ग्लासवेयर हैं उनको यूज करते समय या फिर जो वेट मशीन है उनको यूज करते समय यदि सही से यूज नहीं किए तब क्या होगा, या फिर हम गलत अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज कर रहे हैं जो कि प्रॉपर रीडिंग नहीं दे रहा है, तब भी ये इंस्ट्रूमेंटल इरर कॉज हो जाएंगे। अगले पॉइंट की बात करेंगे इरर ड्यू टू अप्लाइड मेथड। ये ऐसे इरर हैं जो कि हम जो मेथड अप्लाइड करते हैं उस समय इरर कॉज हो जाते हैं, जैसे कि रिएक्शन कोई करवा रहे हैं उसमें रिएक्शन या तो इनकम्प्लीट रह गई है या फिर उसमें जो सैंपल लिए हैं वो इनकरेक्ट है, तो ये इरर कॉज हो जाते हैं। और साथ ही जो प्रोसीजर यूज कर रहे हैं वो भी गलत प्रोसीजर हो जा रहा है, इस तरीके इरर जो है अप्लाइड मेथड पे कॉज हो जाते हैं। दिस इरर आर लाइक इनकम्प्लीट रिएक्शन, इनकरेक्ट सैंपलिंग ईटीसी। ये सारे क्या हैं, अप्लाइड मेथड इरर हैं के द्वारा कॉज हो जा रहे हैं। आर कॉज्ड बाय मेथड यूज, फॉर एग्जांपल वोलेटाइलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन और को प्रेसिपिटेशन इन द वॉल्यूग्रेमीमेट्रिक एनालिसिस, द पॉसिबिलिटी ऑफ चेन रिएक्शन और इनकम्प्लीट रिएक्शन इन टाइट्रेशन। जब हम टाइट्रेशन कर रहे होते हैं या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कर रहे होते हैं उस समय चेन रिएक्शन होती है, मीन्स एक सीरीज ए वन बाई वन वन बाई वन दो तीन बार उसको चेन की तरह करना पड़ता है, जिससे हमें प्रॉपर रीडिंग आ सके, प्रॉपरली हम उसको मेंटेन कर सकें या प्रॉपरली हम उसको रीड कर सकें, कैलकुलेट कर सकें, इस वजह से हमें चेन रिएक्शन करवानी पड़ती है। तो जो जो उसमें ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है कि जो इनकम्प्लीट रिएक्शन हुई है या फिर इनकरेक्ट सैंपल लिए हैं, जिससे कि क्या होगा, या तो वाष्पीकरण हो जाएगा, वॉलेटाइलाइजेशन हो जाएगा। वॉलेटाइलाइजेशन मीन्स कम टेम्परेचर पे उसका जो है भाप बन के उड़ जाना, वोलेटाइलाइजेशन कहलाता है। या फिर क्या होगा कि प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, पोस्ट जब हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं उसके बाद क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, पीपीटी फॉर्म कर लेगा। और साथ ही या फिर जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं उसी के साथ तुरंत ही जो पीपीटी फॉर्म कर लेगा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते समय। अगले पॉइंट की बात करेंगे एडिटिव और प्रोपोर्शनल एरर। एडिटिव एरर क्या होते हैं कि किसी भी नंबर ऑफ केमिकल और कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। जैसे वहीं पर बात करें प्रोपोर्शनल एरर की, जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं या उसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसके साथ ये जुड़े हुए होते हैं और उसी के साथ इमर्ज होके ये नया प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं। आगे बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ एरर की, जिसमें हम बात करने वाले हैं रेंडम एरर की, एक्सीडेंटल और इनडिटर्मिनेंट एरर की। ये एरर ऐसे एरर होते हैं जिनको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, करेक्शन नहीं कर सकते, ऐसे एरर होते हैं, है ना। तो दीज एरर आर अकर एक्सीडेंटली एंड लीव नो रूम फॉर रिएक्शन करेक्शन, है ना। ये एरर क्या है, एक्सीडेंटली अकर हो जाते हैं और हमें संभावना भी नहीं होती या उसकी पता भी नहीं चल पाता कि हम रिएक्शन करेक्शन करने के लिए कहीं और भी जा सकते हैं, है ना। अचानक उसकी घटना घट गई और वो करेक्शन नहीं हो सका, इस तरीके से ये एरर कॉज हो जाते हैं। रेंडम एरर कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, इनको हम अलग अलग तीन टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एरेटिक एरर, स्यूडो एक्सीडेंट एरर और ट्रू इनडिटरमिनेट एरर, है ना। तो एरेटिक एरर क्या कहलाते हैं कि जब ये एरर जो हमारे जब हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं उस समय एक्सीडेंटली उसमें लॉस हो जाए, केमिकल का जो मटेरियल लिए हैं उसका लॉस हो जाए, इसके द्वारा जो एरर कॉज हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एरेटिक एरर। जब प्रोसीजर करते हो उस समय जो है मटेरियल का लॉस हो जाए अचानक, उसको हम एरेटिक एरर कहलाते हैं। दूसरा एरर है स्यूडो एक्सीडेंटल एरर। स्यूडो एक्सीडेंटल मीन्स झूठा मूठा जो है एक्सीडेंट हो जाए, उसको हम कहते हैं स्यूडो एक्सीडेंटल एरर। जैसे कि हम जब प्रोसीजर कर रहे होते हैं उस समय जब क्या करते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज करते हैं या फिर ब्यूरेट यूज कर रहे होते हैं, उस समय क्या है कि अचानक फ्लक्चुएट कर जाए, है ना, हल्का फुल्का जो है वेरिएशन आ जाए, इनडिटर्मिनेट हो जाए, डिटर्मिनेट नहीं कर पाए, है ना, तो उसको कहलाते हैं वेरिएबल डिटर्मिनेंट एरर या फिर स्यूडो एक्सीडेंटल एरर। दीज एरर आर अराइज फ्रॉम वेरिएशन अकरिंग इन द वॉइड रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जब हम कोई मेजर कर रहे हैं उस समय जो है फ्लक्चुएशन आ जाती है जिससे हम नहीं अच्छे से मेजर कर पाते हैं और ये एरर कॉज हो जाता है। ट्रू इनडिटर्मिनेंट एरर, ट्रू मीन्स सत्य, इनडिटर्मिनेंट एरर वो एरर होते हैं जब ये अचानक फ्लक्चुएट कर जाते हैं और रेंडमली और उनका नेचर के द्वारा फ्लक्चुएशन नेचर में होते हैं जिनको हम डेटा मिनिमाइज भी नहीं कर सकते। दिस सच एरर आर एसोसिएटेड विथ रेंडम एरर, रेंडम फ्लक्चुएशन इन नेचर। ये एरर क्या होते हैं कि रेंडम फ्लक्चुएशन नेचर में जो है जुड़े हुए होते हैं और उन्हें हम मिनिमाइज नहीं किया जा सकता है। बात कर लेते हैं एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन की। एक्यूरेसी पहले हम समझ लेते हैं, एक्यूरेसी होता क्या है। दिस द एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंट वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं, तो जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है उसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। इट इज एस्टिमेटेड बाय द एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट वैल्यू। इसको हम इस तरीके से एस्टिमेट कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंट वैल्यू को एक्यूरेसी कहते हैं। एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द एग्रीमेंट बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यू एंड मोस्ट प्रोबेबल और ट्रू वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू है और ऑब्जर्व वैल्यू है उसके बीच का जो एग्रीमेंट है या डिफरेंस है उसको हम क्या कहलाते हैं, एक्यूरेसी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर, जो उसके बीच में जो डिफरेंस है या उसके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसको क्या कहलाते हैं, एक्यूरेसी कहलाते हैं। कितना करेक्ट करेक्ट है, कितना शुद्ध है, उस चीज को हम एक्यूरेसी कहलाते हैं। वहीं पर बात करें प्रसीजन की, तो ये डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि सीरियस ऑफ डिटरमिनेंट होते हैं, रिजल्ट ऑफ अ सीरियस सीरीज ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ द सेम क्वांटिटी। इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम सीरीज ऑफ डिटरमिनेशन करते हैं सेम क्वांटिटी में तो ये प्रसीजन आते हैं। इट इज इनवर्सली, ये रेंडम एरर के प्रोपोर्शनल होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मींस उल्टा होता है। इन द वर्ल्ड ऑफ स्मॉलर द रेंडम एरर, जैसे कि जब प्रसीजन वैल्यू ज्यादा होगी तब क्या होगा, रेंडम एरर क्या होगा, स्मॉलर होगा, है ना। तो इस तरीके से रेंडम एरर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रसीजन, रेंडम एरर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो है हाइयर वैल्यू होगी प्रसीजन की, प्रसीजन, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक्यूरेसी प्रसीजन, है ना, रेंडम वैल्यू और प्रसीजन के बीच में, है ना, रेंडम वैल्यू उल्टा होती है प्रसीजन के। थैंक यू दोस्तों, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि आप तक सभी वीडियो सबसे पहले पहुंचे और इसका आप लाभ ले सकें।
यदि आप डी फार्मा के स्टूडेंट हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम उस पर वीडियो बनाने की पूर्णतया कोशिश करेंगे और इसके लिए हम आपके साथ लगे रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।